उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र अड़ गए हैं। आंदोलित अभ्यर्थी किसी भी जांच और आश्वासन को मानने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा की शुचिता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसलिए अब पेपर निरस्त करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब आरओ का एग्जाम लीक हो गया है तो रद्द हो जाए पेपर। पेपर 8 बजे से वायरल हो गया था। हम लोग भी तो पढ़े हैं और हमारे भी अच्छे नंबर आ रहे थे। अगर पेपर लीक ना होता तो मे भी चांसेस थे, और अगर पेपर लीक हो गया है तो 400 तो पोस्ट ही है, तो लीक वालों का होगा कि हमारा होगा? हम लोग पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे फिर? सरकार और आयोग अभ्यर्थियों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। आंदोलित अभ्यर्थियों ने सोमवार को महापंचायत बुलाई थी। आज सुबह 10 बजे से होने वाली महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में छात्र जुटे थे। प्रशासन ने आयोग आने वाले रास्ते को चौराहे से ही बंद कर दिया और बैरिकेडिंग लगा दी। छात्रों से कहा गया कि आयोग के सामने किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना गैरकानूनी है। प्रदर्शन और विरोध के लिए पत्थर गिरजाघर चौराहा तय किया गया है। छात्र वहां जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद छात्र नारेबाजी करते हुए पत्थर गिरजाघर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात रही। हम लोग सेवा आयोग जा रहे थे, अपना आरओ जो लिख हुआ है उसी के में शांतिपूर्ण धरना देके आयोग को ज्ञापन सौंपने का कार्य कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि हमको वहाँ जाने नहीं दे रही है और बैरिकेडिंग के माध्यम से हर जगह हम लोग को रोक रही है। और हमारे द्वारा जो हम लोग को संचालित कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, उनको डिटेन करके पुलिस उठा ले जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पेपर लीक और धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। सोमवार को महापंचायत की घोषणा की गई थी। सोमवार को भोर से ही आयोग के चारों तरफ भारी फोर्स तैनात कर दी गई और अभ्यर्थियों को आयोग के आसपास खड़ा नहीं होने दिया। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था जो कि पर्चा लीक हो गया था। उसके बाद लगातार 12 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोक सेवा आयोग का, जो कि सरकार बिल्कुल भी सुन नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है कि नहीं पेपर लीक हुआ है, जबकि पेपर लीक पूरी तरह से हुआ है। और ये हम लोगों से सरकार साक्ष्य मांग रही है कि आप दीजिए। और फिर 12 तारीख को कुछ लड़कों को कुछ डेलीगेशन बुलाया गया था अंदर, जो कि 7 लोगों का था और कुछ महिलाएं भी थी उसमें। उन लोगों को अंदर बुला करके फिर हड़काया भी गया, जो कि बाद में फिर जाने को कोई तैयार ही नहीं है। हम लोगों की मांग थी 23 तारीख को जब हम लोग का पंचायत बैठा तो मांग थी कि जो आयोग अध्यक्ष है वो बाहर आए और स्पष्ट रूप से बयान दे, लेकिन फिर भी वो नहीं सुने। और उसके बाद हम लोगों का 2.0 करके महापंचायत आज हम लोग रखे हैं। वो अंदर था? हाँ हाँ, बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहे हैं। उसके बाद जांच 2 तारीख का कर रहे हैं, टाल रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं इस चीज को। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम का डेट पड़े, वो कैंसिल हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, और उसके बाद PCS का जो पेपर लगा हुआ है 17 तारीख को, लगातार धरना देने की वजह से हम लोग तैयारी ठीक से हो नहीं पा रही है और ये भी थोड़ा डिले हो जाए इसके।